दोस्तों, चलिए शुरू करते लाइफ प्रूफ की दूसरी पार्ट। तो मुझे कैसे मिला है 1 लाख रुपया बोनस, तो चलिए शुरू करते। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने किया हूँ, तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो पहले का, जो मैंने 2018 में जब कार निकाला था तब का डिटेल्स मैंने निकाला हूँ, आप देख सकते हो। देखिए, ये हफ्ते का 22,000 रुपये, 13,000, 19,000, 15,000, 17,000, 23,000, 17,000, 16,000, ये सब में जो 16,000 बड़े बड़े अमाउंट है, इसमें आपका 7,500। देखिए 24,000, तो इसमें 21,000, देखिए 21,000, 11,000, 17,000, तो ये सब में जो है ना दोस्तों, मेरा जो 7,500 रुपये का इंसेंटिव और प्लस फिर वो मंथली जो वीकली जो इंसेंटिव रहता है वो भी इसमें ऐड है, यानी दोनों प्रमोशन एक साथ में ऐड किया हुआ अमाउंट है। देखिए 20,000 रुपया। तो इसी तरह से मुझे 1 लाख रुपया, यानी मुझे हर महीना 250 टिप, यानी 250 टिप जब मैं कंप्लीट करता था तब मुझे 7,500 रुपया EMI सपोर्ट के लिए प्रमोशन दिया जाता था, यानी सीधा सीधा बोल सकते हो बोनस जो भी है, और प्लस जो मैं वीकली जो प्रमोशन रहता था वो भी उसमें ऐड होके तो टोटल अमाउंट मुझे मिलता था। तो आप देख सकते हो, ये देखिए पहले का ये ऊपर नहीं है, मतलब ये जो छोटे छोटे अमाउंट है ना, तो ये यहाँ पे नहीं है, यानी वो एक साल का जो नीचे है वहाँ पे मुझे एक साल तक का कंटिन्यू मुझे हर महीना 7,500 रुपया मिल चुका है दोस्तों। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 17,000, 13,000, 18,000, 10,000, 11,000, नहीं, ये सब में नहीं है दोस्तों। जहाँ पे 7,500 रुपये का अमाउंट है वहाँ पे बड़ा अमाउंट है। देखिए क्या है, ये फरवरी को, हाँ फेब को मिला है। ये देखिए 7,500 रुपये प्रमोशन, ये मैंने 18 जब अपडेट किया था उसकी वजह से EMI सपोर्ट के लिए मुझे फेब में मिला है, यानी जनवरी महीने में मुझे पहला जो मैंने टिप कंप्लीट किया था उसको मुझे फेब में मिला, फेब के मार्च, अच्छा फेब का प्रमोशन मुझे मिला है मार्च में। ठीक है, देखिए इसमें फेब EMI और मुझे मिला है मार्च में, तो आप देख सकते हो फेब का मिला है मुझे, जनवरी का भी शायद पीछे छूटा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये फेब का मुझे मिला है, फेब का मार्च में मिला है, और फिर उसके बाद में मार्च का भी मुझे मिलेगा। लगातार कंटिन्यू मुझे मिला है दोस्तों, एक साल के लिए जो EMI सपोर्ट है वो मुझे इस कार के ऊपर मिला है मुझे, आप देख सकते हो। लेकिन अभी दोस्तों ऐसे कोई देखिए 10,857 रुपये का ये प्रमोशन है, तो इसमें वो 7,500 रुपये इसमें ऐड है। ये देखिए 7,500 रुपये प्रमोशन, देखिए डायरेक्टली आया है। तो ये इसी तरह से मुझे हर महीना EMI सपोर्ट के लिए मुझे मिलता था 7,500 प्रमोशन। देखिए आप, 11:48 में मिला, ये मार्च यानी ये फेब का है। देखिए फेब, यानी जनवरी का फेब में मिला, फेब का मार्च में, तो इसी तरह एक महीना बाद मिलता था प्रमोशन, यानी अगला महीना जैसे 250 टिप मैंने कंप्लीट किया तो महीने के एंड में वो काउंट होता था, काउंट होने के बाद में फिर दूसरे महीने वो पेमेंट ये लोग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो देख लिया अपने आप को, मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया ये सब में, जितने भी मतलब हर महीना मुझे इसी तरह। देखिए वीकली प्रमोशन 1,300-1,400 रुपये प्रमोशन है वीकली, इसमें जिधर बड़ा प्रमोशन है ये देखिए 2,600 रुपये का प्रमोशन भी बहुत अच्छा दे रहा है दोस्तों उस टाइम में। ये देखिए ये 8,875 रुपये का, इसी में 7,500 रुपये, देखिए 7,500 रुपये प्रमोशन, तो बहुत बढ़िया था दोस्तों उस टाइम। अब तो नहीं है फिलहाल, अभी तो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता है। आप नई कार अटैच करो या पुराना कार अटैच करो, आपको कोई प्रमोशन अभी इस वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रिप भी उतना नहीं है अभी, और उस टाइम का जो इनकम था अभी उस तरीके से इनकम, क्योंकि उस टाइम में ऐसे भी था कि आदमी दो दो तीन तीन चार चार कार रखते थे, 50-50 कार भी दोस्तों मेरे ध्यान में है कि 50-50 कार उन्होंने स्टार्टिंग में लिया और उसको क्लियर भी किया। देखिए सपोर्ट EMI अप्रैल का मिला मुझे मई में,
तो इसी तरीके से मुझे हर हफ्ता हर महीना मुझे 7,500 रुपया जब मैं 250 टिप कंप्लीट करता था तो उस टिप के वजह से मुझे मिलता था दोस्तों, देखिए 7,500 रुपया तो बहुत बढ़िया था दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल 17,200। तो उस टाइम में टिप भी बहुत ज़्यादा था, छोटा हो बड़ा हो फटाफट आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी दोस्तों। और ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने कहा कि 50-50-60 कार उन्होंने उबेर में अटैच किया, उसको फ्री भी किया, ड्राइवर भी खुश था, ओनर जो कार मालिक था वो भी खुश था, जो अच्छा इनकम भी अच्छा था दोस्तों, दोनों का अच्छा से हो जाता था। ये 10,682 रुपये का प्रमोशन है तो कोई दुखी नहीं रहता था। प्रमोशन देखिए 9,142 रुपये, इसमें 7,500 रुपये का प्रमोशन है तो आप देख सकते हो उस टाइम में सब खुश था, यानी ड्राइवर पैसेंजर और प्लस आपका ओनर, क्योंकि सबको एक रिजनेबल रेट पे बुकिंग मिलता था और भाड़े भी मिलता था, प्रमोशन भी मिलता था। यानी कोई टिप में अगर आपको लगते थे कि प्रमोशन 7,500, कोई टिप में अगर लगता था कि आपको फेयर कम है लेकिन उस महीने में आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलता था तो फिर वो तकलीफ नहीं होता था। ये देखिए मई का मुझे जून में मिला है, तो क्या है एक दो टिप, अभी कैसे आप कोई टिप कंप्लीट करके आपको लगता है कि मुझे 500 रुपये मिलना चाहिए, उसमें आपको 450 रुपये मिला तो फिर तकलीफ होता, साला मज़ा नहीं आया यानी पैसा कम दिया। लेकिन उस टाइम में कैसा, अगर 450 आपको मिलता भी था फिर आपको प्रमोशन मिलता था तो उस टाइम में उतना तकलीफ नहीं होता था। मैंने कि एंड में एक बड़ा अमाउंट जो आपको प्रमोशन के तौर पर मिलता था ना तो बोला चलो अच्छा है, ये कहीं कम ज़्यादा हुआ तो ये देखिए 21,328 रुपये का मैंने टोटल 9,455 रुपये का प्रमोशन, यानी इसमें 7,500 रुपये। तो इस तरीके से मुझे दोस्तों 1,00,000 रुपया हर महीना मुझे मिलता था, 7,500 रुपया EMI सपोर्ट के लिए, जो मैंने आपको कहा वो मैंने दिखाया आपको प्रूफ, लाइव प्रूफ के साथ। ये देखिए ये 7,500 रुपये इसमें जून की EMI जुलाई में मिला मुझे, यानी हर जो महीने का प्रमोशन था वो मुझे एक महीना बाद मिलता, नहीं नेक्स्ट मंथ में, यानी कैसे रहता था पूरा आपने 250 टिप कंप्लीट किया तो महीने के एंड में वो काउंट होता था, काउंट होने के बाद में उन लोग नेक्स्ट मंथ में वो प्रमोशन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। बहुत अच्छा था दोस्तों उस टाइम में जो चला है दिमाग उसने 4-5 कार लिया और कमा भी लिया और कार फ्री भी कर लिया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रमोशन आया, उस महीने मैंने छुट्टी किया था तो प्रमोशन आ गया दोस्तों। ठीक है ये अगस्त महीने में मुझे मिला है, महीने भर छुट्टी के बाद और प्रमोशन इसके बाद ये लास्ट मंथ का प्रमोशन था जो मैंने 250 कंप्लीट किया था, फिर जब स्टार्ट किया करके उसके बाद फिर से मुझे मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम ये था, अगस्त एक दो महीना शायद उस टाइम उसके बाद भी मैंने याद नहीं है, उसके बाद भी मुझे प्रमोशन मिला है शायद, उस लास्ट मैंने और भी कार मैंने रनिंग चौरा था करीब महीना, अगस्त का लास्ट नहीं था ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा है। तो देखते क्या आगे कुछ है क्या प्रमोशन, देखते ये 15,212 रुपये का जो अर्निंग है इसके अंदर क्या है। हाँ दोस्तों ये देखिए ये और एक प्रमोशन है, यानी ये अगस्त के बाद में ये कौन सा महीने का प्रमोशन है देखते ओपन करते हैं। अगस्त में मिला है तो फिर सितंबर खोलना पड़ेगा, ये कौन सा महीने सितंबर में होगा शायद दोस्तों मुझे भी, हाँ देखिए सितंबर का EMI है, ये अक्टूबर में मिला है मुझे ये 7,500 सितंबर अक्टूबर में, ये सितंबर एक साल का शायद ये कंप्लीट हो गया मेरा, सितंबर का लास्ट है शायद, क्योंकि सितंबर में मेरी कार पासिंग हुआ था, सितंबर में मेरी कार पासिंग हुआ था तो ये सितंबर का ही शायद प्रमोशन रहेगा, या फिर एक प्रमोशन और भी रह सकता है, या बीच में मेरा एक प्रमोशन गैप भी गया, मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था 250 टिप, मैंने मुझे प्रमोशन नहीं मिला था। हाँ देखिए ये एक और एक मिल गया, तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए 12 प्रमोशन है 7,500 रुपये का प्लस 10,000 रुपये मुझे EMI सपोर्ट के लिए ज्वाइनिंग बोनस मुझे मिला था। तो इस तरीके से देखिए ये प्रमोशन नवम्बर का रहेगा शायद, अक्टूबर का तो पीछे गया है, ये देखिए नवंबर के 10 तारीख को मुझे मिला है और ये अक्टूबर का EMI है,
ये अक्टूबर में मैंने कार लिया था, ये अक्टूबर का ईएमआई यानी एक साल कंप्लीट मुझे मिल चुका है, इसके बाद में और नहीं है दोस्तों। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह आप लोग आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए और मैं नए नए वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। और गुड बाय, गुड नाइट, अच्छे रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही दुआ है।